हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सव्यसाची क्लासेस। टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द बुक्स ऑफ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस, स्पेशली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास 9 साइंस बुक। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के साइंस बुक से मेन एग्जाम में प्रत्येक चैप्टर से कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये देखने वाले हैं। और इस पैटर्न पे अगर आप लोग अपना प्रिपरेशन करते हैं तो इससे आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो दिस इज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ क्लास 9 साइंस बुक। यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट साइंस सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो चैप्टर 1 इज बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, दिस इज फ्रॉम बायोलॉजी एंड इससे मेन एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 2 इज मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, दिस इज फ्रॉम केमिस्ट्री एंड इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। चैप्टर 3 इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, दिस इज आल्सो फ्रॉम केमिस्ट्री एंड इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। यहाँ आप लोग ये ध्यान देना कि 5 मार्क्स का केवल एक ही क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाएँ और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए, तो इस पे आप लोग ध्यान देना। तो चैप्टर 4 इज मोशन, दिस इज फ्रॉम फिजिक्स एंड इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चैप्टर 5 इज फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, दिस इज आल्सो फ्रॉम फिजिक्स एंड इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चैप्टर 6 इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, दिस इज फ्रॉम बायोलॉजी एंड इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चैप्टर 7 इज मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर टिश्यू, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम बायोलॉजी एंड इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चैप्टर 8 इज केमिकल बॉन्डिंग, दिस इज फ्रॉम केमिस्ट्री एंड इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चैप्टर 9 इज केमिकल फार्मूला एंड मोल कंसेप्ट, दिस इज आल्सो फ्रॉम केमिस्ट्री एंड इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चैप्टर 10 इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दिस इज आल्सो फ्रॉम केमिस्ट्री एंड इससे भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चैप्टर 11 इज ग्रेविटेशन, दिस इज फ्रॉम फिजिक्स एंड इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चैप्टर 12 इज वर्क एंड एनर्जी, दिस इज आल्सो फ्रॉम फिजिक्स एंड इससे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चैप्टर 13 इज अवर हेल्थ, दिस इज फ्रॉम बायोलॉजी एंड इससे टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। चैप्टर 14 इज साउंड, दिस इज फ्रॉम फिजिक्स एंड इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चैप्टर 15 इज हाइड्रोकार्बन, दिस इज फ्रॉम केमिस्ट्री एंड इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चैप्टर 16 इज कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स, दिस इज आल्सो फ्रॉम केमिस्ट्री एंड इससे भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चैप्टर 17 इज हैबिटेट, दिस इज फ्रॉम बायोलॉजी एंड इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चैप्टर 18 इज वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, दिस इज आल्सो फ्रॉम बायोलॉजी एंड इससे भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है ये जितने भी यूनिट्स में हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखे हैं उसमें इतने मार्क्स के एक एक क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उस यूनिट से या उस चैप्टर से टोटल उतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो थ्योरी से टोटल हो जाएगा 75 मार्क्स का क्वेश्चन एंड प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क में आपको स्कूल में 25 मार्क्स मिल जाएगा। तो ग्रैंड टोटल इसका हो जाएगा 100 मार्क्स। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी मोर बुक्स ऑफ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल आर CGBSE, देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी क्लास।